तो तो गाइस वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो आज हमारे साथ है रविश भाई इनका कॉन्टेस्ट हो रहा है तो मैं इन साथ मिला हम लोग फिजिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकला है कि आई कि रेपिटेशंस कितने मारने चाहिए जब आप ऑफ सीजन में हैं कंपेयर टू जब आप ऑन सीजन में तो और भाई पूरी शेप में है लो बॉडी फैट में है तो एक एक्सप्लेनेशन देना आसान रहती है क्योंकि जो लैगिंग बॉडी पार्ट्स होते हैं बैक स्पेशली एक छोड़ी छोड़ी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसल है इसमें छोटी-छोटी बहुत क्या पार्ट हिट हो रहा है बहुत लोग नहीं पता तो ये वॉचिंग दी बैक

या वाइट राइस खा रहे हैं आप एकदम से जब आप लोडिंग कर रहे हैं आपने कोई और कार्ब सॉस चुन लिया आपने मान लो ब्रेड खाने शुरू कर दी और उसमें ग्लूटेन है आपको नहीं पता आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी ग्लूटेन से क्योंकि चार से आपने खाई नहीं है अब आप आपकी गट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इन्फ्लेशन जाती है, है तो वो चीज़ आपको बहुत हार्म कर सकती है क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है ये सब गलतियाँ कर चुके हैं तो एक बार भाई बैक का पोज देना आप बैक डबल बाइसेप और बैक लेट स्प्रेड तो आप ये देखो ये जो इनका पार्ट दिख रहा है ना ये सॉलिड दो चंक्स ऑफ मसल आपको दिख रही है तो ये, ये की रिलैक्स रिलैक्स रोइंग जितने भी रोइंग मूवमेंट्स हैं जो मतलब बैक की थिकनेस होती चाहिए रोइंग मूवमेंट्स आपके हो गए टी बार आपके हो गए अंडर हैंड रोइंग हो गई क्या कहते हैं बारबल रोइंग हो गई डम्बल रोइंग हो गई डेड लिफ्ट हो गई वो जो आपका ये जो मीट है ये जो थिकनेस होती है बैक की ये जो थिकनेस होती है ये जो चंक ऑफ मसल है ये आपका निकल के आता है अब अपर बैक और लोअर बैक में क्या डिफरेंस होता है ये एरिया ये एरिया बेसिकली आपका अपर बैक में आता है ठीक है ये आपके ट्रैप हो गए अब ट्रैप बहुत लोग बोलते हैं कि जब सामने से आप पोज करते हैं तो ट्रैप से एक बार सामने से वो मोस्ट मस्कुलर दीजिए मोस्ट मस्कुलर ऐसे वाला हाँ तो लॉड ऑफ पीपल थिंक कि जो सिर्फ ये मसल है ना ये आपकी ट्रैप है बट ये ट्रैप नहीं है एक बार पीछे घूमना बस थोड़ा सा ऐसे करके खड़े होना ऐसे करके रिलैक्स पोज हाँ ये अब आप देखिए ट्रैप मसल क्या होती है यहाँ से शुरू होती है ये आती है और ये टाइन यहाँ पे हो रही है यहाँ पे तो ये पूरी मसल आपकी ट्रिपीजियस मसल है लोग समझते हैं सिर्फ ये ट्रैप है तो लोग सिर्फ फ्रंट से श्रग्स मार के निकल लेते हैं जब तक आप बैक से नहीं मारेंगे तो ये अंदर जो टाइन होती है यहाँ पे ये नहीं होगा प्लस दूसरी रिलैक्स दूसरी चीज़ जब हम लोग लो रोइंग मारते हैं लोअर बैक टिकने लो स्विट्स निकालने के लिए हम रोइंग मार के बेली बटन पर यहाँ लाते हैं ये आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स हैं जो अपर बैक के लिए भी रोइंग मारते हैं आप मारते हो अपर बैक के लिए रोइंग उसमें क्या है कम वेट लगा के आपको निप्पल एरिया पे यहाँ पे रो करना है वैसे आप करते हो लोअर बेली पे लोअर बेली पर ना जब आप यहाँ पे करोगे ना तो आपका ये जो अपर बैक एरिया है तो थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि आप अपर बैक और ट्रेन करिए यहाँ पे आपको और मास्क की जरूरत है ये जो आपका और भर जाएगा ना ये भरा हुआ ऑलरेडी जब ये भर जाएगा तो पूरी बैक एक निकल के क्योंकि इनकी विथ तो है आउटर लाइट्स भी देखिए आउटर लाइट्स भी पूरी इनकी पम्प्ड है और लाइट्स का अटैचमेंट भी नीचे है तो कोई टेंशन नहीं है तो गिफ्टेड है ये मतलब एक होता है ना कि जैसे मेरी लाइट का अटैचमेंट ऊपर है डेनिस वॉल्फ ओलंपिया विनर थे वो ओलंपिया आराम से सेकेंड प्लेस निकाल लेते बट लैड्स का अटैचमेंट ऊपर है दूसरी उनकी काफ थोड़ी वीक है इसलिए तो अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं गाइज आपको हजार ट्रेनर्स मिल जाएंगे कि लैड्स ऊपर हैं तो ये एक साइज करो वो नीचे रहेंगे वो जिंदगी में कभी नीचे नहीं होंगे क्योंकि भगवान ने उनको वहीं अटैच करके आपको भेजा है आप कुछ भी कर लीजिए नाउ दे आर वेज टू चीट द जजेस कि आपको कैसे उसको एक एल्यूजन दिखाएं कि आपको वो लोअर लगे उसमें पोजिंग की टेक्निक्स होती है आप उस हिसाब से पोज करिए कि आपका लगे कि वो नीचे अटैच है ऊपर अटैच है बट बेसिकली घूम फिर के बात वही आती है जब आप पुल डाउन्स या पुल अप्स मारते हैं आप अपनी लैट्स को ट्रेन करते हैं जब आप अपनी रोइंग मारते हैं आप ये जो मीट ऑफ द बैक है थिकनेस ऑफ द बैक है इसको ट्रेन करते हैं जब आप जो रोइंग मशीन में बैठ के रोइंग मशीन में बैठ के तो ये लोअर हो गया अगर इसी को आप अपर लाएंगे यहाँ पे लाएंगे तो आपकी ये एरिया ट्रेन हो जाएगी और ये ये बैक का पार्ट होता है ये आप गार्ड बांध के अपने दिमाग में डाल लें इसको अगर आप बैक डे के साथ ट्रेन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए ओवरऑल कंप्लीट पैकेज आएगा प्लस जो रियर शोल्डर होता है जब रियर शोल्डर मारते हैं देखिए जब बैक रिलैक्स में खड़े होंगे ये रियर शोल्डर निकल के आ रहा है ये भी बैक का पार्ट होता है तो ये मत सोचिए कि बैक में मैंने बस पुल डाउन मार लिया मैंने बार बार ड्रोइंग मारी डेडलिफ्ट मारी मेरा काम हो गया बैक में कितने पार्ट्स गिना दिए मैंने आपको लोअर बैक वो मारते हैं क्या मारते हैं गुड मॉर्निंग मारते हैं जब आप एक्सटेंशन मारते हैं रिवर्स एक्सटेंशन मारते हैं आप यहाँ से स्टार्ट होता है क्रिसमस ट्री निकला डेडलिफ्ट ठीक है पुल डाउन पुल अप्स अपर रोइंग ट्रैप्स और रियर डेल्टो तो इतने पांच पार्ट मैंने आपको गिना दिए ये पूरी बैक एक कंप्लीट बैक निकल के आती है और चैंपियंस आर मेड फ्रॉम द बैक ये वीडियो थोड़ा सा उनके लिए जो कम्पीट कर रहे हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड में जाना चाहते हैं क्योंकि आपको अब आप बैक बैक करके बस दिमाग में नहीं चलाना आपको ये चलाना कि भाई पांच मसल मिलकर बैक बनी हुई है तो आप एक वर्कआउट जब करते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप हफ्ते में एक वर्कआउट करिए आप दो वर्कआउट कर सकते हैं बट यू शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बैक और सबको ट्रेन करिए आप ये नहीं कि आपने रियल डल्टॉट ट्रेन ही नहीं किया ये पार्ट ट्रेन नहीं किया तो भाई वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं तो so, जैसे ये कह रहे हैं कि अभी तो खैर रहे इज़ वेरी क्लोज टू कॉम्पिटिशन बट आप बीस रैप कर रहे हो कितने टाइम से आप वो उस रैप रेपिन रेंज में फिफ्टीन डेज से 15 कर, कर रहे हो सो वट लाइक मैंने भी इनको भी सजेस्ट किया कि जो आप ऑफ सीजन में करते आ रहे हो उसको मत छोड़ो ऑन सीज़न में भी जा रहे हो आप हेवी ट्रेन कर रहे थे टेन टू ट्वेल्व रेप आप हैवी ही ट्रेन करिए जब आप डीलोड मारते हैं जो जिटिस कॉम्पिटिशन के सात दिन पहले होता है देन यू कैन रिलैक्स आप सिर्फ डिप्लीशन वर्कआउट करते हैं ताकि मसल की ग्लाइकोजन आपकी ख़त्म हो जाए और फिर जब दोबारा ग्लाइकोजन डालेंगे तो अच्छे से पकड़ के राउंडनेस आए अदरवाइज स्टेक टू वॉट यू हैव बिन डूइंग टेन टू ट्वेल्व रेप्स क्योंकि उस वजह से आपकी मसल बनी है वो अगर आप करना छोड़ देंगे स्लोली एंड स्लोली यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग गेनिंग करते हैं सौ किलो पहुँच जाते हैं फिर स्टेज पर पे आते हैं सत्तर किलो लेके आते हैं ये सिर्फ आप यही देखेंगे बाहर के देश में अगर कोई 105 किलो है ना ऑन सीजन में तो वो स्टेज पे 97, 96 पे आएगा प्रॉपर एथलीट्स होते हैं जिनको पता होता है कि बॉडी बिल्डिंग की साइंस के और कैसे वर्क इनके पास अच्छे कोचेज होते हैं बट यहाँ पे आप देखो 105 किलो पहुंच जाएंगे स्टेज पर आज सत्तर किलो पे आ रहे वो 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 चीज आपने अवॉइड करनी है क्योंकि आप ऑन सीजन में मेहनत कर रहे हैं खाना खा रहे हैं सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर वही चीज़ आप एकदम जो है ऑन सीजन में आके बीस बीस रेप लगा के आप उसको मसल को ड्राई कर देते हैं मसल बनती है रेजिस्टेंस से यू आर टेकिंग दैट रिजिस्टेंस ऑफ फ्राम द मसल एंड देन यू विल लूज दैट मसल तो वो अभी नेक्स्ट ऑन सीजन से जब नेक्स्ट यारी करेंगे तो नहीं करेंगे सो दिस वॉज दर्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो होली आ रही है अट्ठाईस की रात को जलेगी उन्तीस आपको उन्नीस को खेलेंगे बट ट्वेंटी सिक्स से मैं आप रोडेंगी होली सेल विल बी लाइफ सो so, uh, मेरे इंस्ट्राम फॉलो कर देना प्लीज और यूट्यूब में आपको लिंक दूंगा इंस्ट्राम पर देगा थैंक यू वन सेकंड फॉर वॉचिंग दिस नमस्कार एंड बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाय